हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं 5 बजे से उठी हूँ, अभी तक अज़ान हुई नहीं है। अज़ान होने वाली है, अब तकरीबन 20 मिनट बाकी रहते हैं अज़ान में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह जल्दी उठते हैं। हमारा क्या होता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं, तो जब तक नमाज़ हो जाए फिर बाकी जो अज़मा की तैयारी करना होता है वो करने के लिए उठना पड़ता है स्कूल के लिए। तो मैंने सोचा एक घंटा पहले उठने से, अज़ान से एक घंटा पहले उठने से मेरे बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कुकिंग कर लेते हैं उठने के बाद। तो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, मैंने आधी कुकिंग यानी कि दाल चढ़ा दी है, रोटी बनाने के लिए रखा है तवा, और मैंने मूंग को चढ़ा दिया है सब्जी बनाने के लिए। यहाँ पर दाल चढ़ गई है, यहाँ पर तवा रखा हुआ है, और यहाँ पर रात में मैंने भिगोए थे मूंग, यहाँ पर मूंग को चढ़ा दिया है। इसमें मूंग है और इसकी सब्जी बनेगी, तो अजमा स्कूल को लेकर भी जाएगी। तो यहाँ पर मूंग चढ़ गई है और यहाँ पर अजमा के ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मुझे पीसना भी है काट के, और यहाँ पर बॉटल्स भर लिए हैं पानी के। तो काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद अजमा का मतलब अजमा के दूध की तैयारी करना है। जो अजमा को मैं ड्राई फ्रूट्स वाला दूध देती हूँ वो तैयारी करनी है, तो उसको कट करना है। तो चलिए, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग यहीं से शुरू कर लेते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह का ये जो कुकिंग वाला काम है एक घंटे का रहता है। अभी मैं आधी कुकिंग कर लूँगी नमाज के बाद, हो सकता है अभी मेरी जो कुकिंग है वो पूरी हो ही जाए, लेकिन बाद मतलब अगर नहीं भी हो पाया तो मैं नमाज के बाद जो आधी अधूरी कुकिंग बची होगी वो मैं पूरी कर लूँगी। फिर इसके बाद अजमा को उठाएँगे, अजमा रेडी होगी, अजमा स्कूल जाएगी। इसके बाद मैं अपना जो ब्लॉग है वो एडिट करूँगी। एडिटिंग होने के बाद अपना जो ब्रेकफास्ट है वो भी मैं बना के ही रख लूँगी पहले से ही, और अजमा का तो टिफ़िन तैयार ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी जो एडिटिंग है वो अजमा को स्कूल छोड़ आने के बाद जो एडिटिंग है वो कर लूँगी। फिर उसके बाद हम फ्रेश होंगे नहा धोकर, फिर उसके बाद जो मेरी स्टिचिंग है उसको शुरू कर लेंगे। मतलब मेरा मतलब ऐसा हो गया है कि मुझे कल जब मैंने कपड़े देखे हमारे मतलब जितने कपड़े स्टिचिंग के लिए आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खैर मैंने स्टिच करके रखा है, यहाँ पर ये उनका मेजरमेंट वाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाकी जो कपड़े हैं सारे स्टिच करने वाले हैं। ये किसी और कस्टमर के हैं, ये किसी और कस्टमर के हैं, इसके अलावा वहाँ पर भी हैं, इसके अंदर भी काफ़ी कपड़े हैं। और समझ में आ नहीं रहा है, देखिए बुरका भी यहीं पे रखा है, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि तो एक बार कुकिंग हो जाए ना तो ना तो ब्लॉग बनाने में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉगिंग तो मैं साथ में ही करूँगी, और कुकिंग हो जाए तो काम भी होते रहेंगे। मतलब कुकिंग एक सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अगर घर में खाना ना बने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले कुकिंग को कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी साथ में बना ही लेते हैं, फिर इसके बाद जो अपना ब्लॉग है वो एडिट करने का टाइम भी मिल जाएगा। 8 से 10 तक का मैं टाइम रखा है मैंने, मतलब 10 बजे तक मेरी जो एडिटिंग है उसके अंदर ही हो जाना चाहिए, वो भी सोच रही हूँ, देखेंगे कितना होता है। और उसके बाद मैं अपना जो फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट हो जाएगा 10 बजे, फ्रेश हो जाएंगे नहा धोकर, तो फिर उसके बाद हमारी जो स्टिचिंग है वो भी शुरू कर लेंगे। तो ऐसे करके मैं ब्लॉगिंग और स्टिचिंग और घर की कुकिंग को मतलब घर के कामों के साथ मैनेज करने का सोचा है। ऐसे तो देखो पहले मैं नमाज़ पढ़कर प्रिफर करती थी कि जैसे अजान हो जाए तब नमाज़ पढ़ लें, लेकिन अब मुझे मेरे दिल में आया कि नमाज़ से पहले उठ जाते हैं थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा कुकिंग करने के लिए। वैसे तो यहाँ पर मूंग जो अच्छे से गल रहा है, बाहर का मैं नज़ारा दिखाती हूँ आपको, देखिए अभी तक अंधेरा है, अजान का टाइम भी नहीं हुआ है। तो चलिए बस अपनी कुकिंग कर लेते हैं, इन बॉटल्स को भर दिया है, इनको उठा के रखते हैं, साथ में अजमा का दूध तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अजान हो चुकी है, लगा कि व्लॉग जो है बाद में बनेगा, कुकिंग भी बाद में हो सकती है, पहले अजान हो चुकी है तो नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, फिर बाकी की जो कुकिंग है वो कंटिन्यू करूँगी मैं नमाज के बाद। तो चलिए नमाज़ पढ़ कर मैं आ जाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन यहाँ पर मैंने ब्लॉग शुरू किया था वो ट्यूसडे वाला दिन था, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो दिन जो है थर्सडे वाला है, यानी कि 22 फरवरी है। और आज आपा और भाईजान की वेडिंग एनिवर्सरी है, वो भी सिल्वर जुबली यानी कि 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है उन दोनों को देखकर। अल्लाह करे कि इस तरह से ही उनको रखे, हमेशा हंसते हंसाते एक दूसरे के साथ उन्होंने 25 साल बिताए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना, उनका जोड़ा हमेशा सलामत रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे, आबाद रहे, उनकी सारी ख्वाहिशें जो भी तमन्ना ज़िंदगी में है वो सारी पूरी हो। आप लोग भी उनके लिए बहुत 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 सारी ढेर सारी दुआएँ देना। फ्रेंड्स, नमाज हमारी हो गई है तो चलिए लगते हैं काम पे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुकिंग के साथ साथ ही मैं अजमा का दूध भी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर दूध बनाने के लिए रात में ये मैं दूध को, सॉरी, जो उसके ड्राई फ्रूट्स हैं वो पानी में अच्छे से धोकर भिगो कर रख देती हूँ। 2 से 3 पानी में मैं धोती हूँ, फिर इसके बाद मैं भिगो के रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर ले रही हूँ। और जो मैं यहाँ पर बनाती हूँ अजमा के लिए ड्राई फ्रूट्स का शेक, अगर आप चाहते हैं रेसिपी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले मैं जो ड्राई फ्रूट्स देती थी अब मैंने थोड़े से ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि पहले वाला और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अजमा को ये काफ़ी पसंद आने लगा है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि मेरी बेटी खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा आलसी है, बिल्कुल खाना पीना उसको पसंद नहीं है। तो मैं जब से मैंने अभी नया शुरू किया है, मतलब पहले भी मैं देती थी, अभी 15 दिन 20 दिन से मान लीजिए मैंने ये जो शुरू किया है अजमा के लिए नया वाला ड्राई फ्रूट का शेक, तो उससे काफ़ी फ़र्क मुझे नज़र आया है और अजमा को ये पसंद भी आने लगा है। पहले बिल्कुल भी जो मैं ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके दूध में देती थी वो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती थी, पीना पसंद करती थी। तो अब मैं जो बनाकर देती हूँ ना वो काफ़ी शौक से पीती है, बोलती है अच्छा बना था कल और बनाना। तो और अच्छा लगता है जब बच्चा खुद से इस तरह से मांग कर पिए। तो जब मैं पहले देती थी तो वो मतलब कहती थी कि मत बनाओ, मत ही दो मुझे, ऐसे बोलती थी, प्लेन दूध ही दिया करो। तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं 7:20 हो रहे हैं। मेरी सारी जो कुकिंग है वो डन हो चुकी है और यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकफास्ट भी हमारा बन चुका है। तो बस गैस को ऑफ करते हैं, अभी जो हमारा काउंटर टॉप है उसको क्लीन करेंगे तो सारा ही काम हो जाएगा। काफ़ी खुशी होती है ना सुबह सुबह हमारा ये काम हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा हमें दिल को सुकून मिलता है। बस अभी काउंटर टॉप को क्लीन करना है। अजमा रेडी हो रही है, अजमा का दूध भी मैंने उसको दे दिया है। मैंने 6:30-7 को अजमा का दूध भी, दूध जो है अच्छे से पका कर ऐसे ही रखा था। आज जो है दूध को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे मैं पानी में रख कर ठंडा कर लेती हूँ। आज ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल्दी बना दिया था तो ठंडा भी हो गया। और अजमा पी भी चुकी है और अजमा रेडी भी हो गई है, अजमा का टिफ़िन भी तैयार हो गया है। तो 7:15 सारी तैयारियाँ हो गई है। बस अजमा को जैसे वो वॉशरूम से आ जाएगी तो मैं उसके बाल बनाऊँगी, अजमा तैयार हो जाएगी, फिर मैं अजमा को छोड़ के आऊँगी, फिर इसके बाद अपना जो ब्लॉग है वो एडिट करेंगे, फिर इसके बाद जो स्टिचिंग है वो शुरू कर लेंगे। तो बस इसी तरह से इंशाल्लाह मैं हर दिन अपना जो काम है वो मैनेज कर पाऊँ। उम्मीद तो यही है कि यही रूटीन जो है कंटिन्यू रखूँ। अभी आदत भी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अजमा के बाल बना रही हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैं जैसे कि आपको बताया था मैंने कि अजमा के बाल मैंने काट लिए हैं। अजमा को भी अभी काफ़ी ज़्यादा हल्का फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि वो बोल रहे कि और थोड़े से छोटे कर दो, बट मैं इतने छोटे भी नहीं करूँगी, बस इतने काफ़ी हैं। और काटने के बाद मेरी अम्मी और आपा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। आपा भी बोल रहे थे कि क्यों इतने काटे, बहुत ज़्यादा छोटे कर लिए। मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि ऐसे क्यों किया तूने, इतने बालों को काटना नहीं चाहिए था।
बट बाल जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे से डैमेज हो गए थे, स्प्लिट एंड्स हो गए थे, जिसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है बालों की। तो इस वजह से मुझे पहले ही मतलब 2 महीने 3 महीने में मैं जैसे काटती हूँ वैसे काटना चाहिए था बट नहीं काटा किसी रीज़न से, तो वो जो स्प्लिट एंड्स है जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अभी जो उसके बाल हैं वो हेल्दी हैं, तो इस तरह से मैं उसके बाल बना रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अजमा के जो बाल हैं बना दिए हैं, 2 चोटियाँ उसकी बन चुकी हैं। अभी मैं खुद भी अपने हाथ धुल लेती हूँ क्योंकि ऑयली ऑयली हो चुका है। तो चलिए, अजमा भी गई है मुंह को साफ़ करने के लिए, उसका फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि जब चोटियाँ बनाओ तो फेस वॉश करना ज़रूरी होता है। और जब हम बचपन से सीखे होते हैं, वैसे भी आजमा कभी कभार मना कर देती, लेकिन आपा और मैं हमेशा उसको यही सोचते हैं कि जितना हो सके जो हमने बचपन में किया है वो कराएं, ताकि अब हम ही दो हैं, मैं और आपा। जब आपा के साथ में होती है तो आपा भी कराते हैं, मेरे साथ में हमेशा तो रहती है, तो मैं उसको जितना हो सके, जितना मैंने बचपन में अच्छी चीज़ें सीखी है बचपन से, वही उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो बस अभी अजमा अपना पाउडर वगैरह लगाएगी। तो बस यहाँ पर मैं अभी अजमा को रेडी कर रही हूँ, हालांकि अजमा रेडी हो चुकी है, तो बस उसको पाउडर लगाना था। तो यहाँ पर किसी बात को लेकर हम लोग हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, और ये जो मोमेंट है, अजमा जब बड़ी होगी खुद देखेगी मेरे व्लॉग्स तो याद करेगी इन चीज़ों को, और उसको बहुत ज़्यादा याद आएंगे। और जब हम अपने ज़माने में ये सारी चीज़ें मेरी अम्मी हमारे साथ करती थी तो कैप्चर नहीं कर पाए, उस टाइम पे कैमरा मोबाइल और ना ही व्लॉगिंग थी। व्लॉगिंग तो अभी खैर बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो कैमरा और मोबाइल इतना क्रेज़ नहीं था तब। देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5:07, 5 मिनट हुए हैं, यानी कि 7:35 हुआ है, और अजमा आज बहुत ही ज़्यादा रेडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी रेडी हो चुकी है। अभी उसके पास 15 मिनट और हैं और हमारी सारी कुकिंग हो गई है। तो बस अजमा शूज़ पहनने वाली है, उससे पहले वो यहाँ पर देखिए पानी डाल रहे हैं अपने पौधों को, पूरे पौधों को डाल। हाँ, करती हूँ, लेकिन आज टाइम ज़्यादा मिला है तो चलिए ये काम उससे करा लेते हैं। तो मैंने सोचा अच्छी बात है ना, जब बच्चा कुछ करना चाहता है खुद से तो करा लेना चाहिए। चाबी नहीं ले रही, मैं लूँ कौन सा ना, देखो लो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 10:45 और हम लोग कहीं निकल रहे हैं, मैं और अजमा के पापा, कुछ ज़रूरी काम है जहाँ पर मुझे हिजाब नहीं पहनना है, तो इस वजह से नहीं पहन रही हूँ, ना ही स्कार्फ़ को पहनना है पहन रही हूँ। तो बस अभी निकल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, अल्लाह करे अगर हमारी इसमें बेहतरी है तो इसमें हमें कामयाब करे। तो चलिए चलते हैं, अजमा के पापा नीचे चले गए हैं।
थोड़ा पीछे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो काम करने के लिए हम लोग आए थे वो काम तो हुआ नहीं, तो फिर मैंने बाद में अपना जो स्कार्फ है वो पहन लिया और बस यहाँ से निकल पड़े। और हमें ये जो प्लान है अभी अभी यहाँ पर बना है, क्योंकि ये जो काम है अजमा के पापा करने वाले हैं, यानी कि मैं और अजमा के पापा अभी फ़िलहाल जहाँ पर जा रहे हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ, तो हमने फिर से यहाँ पर प्लान बना लिया। ये काम करने के लिए मैंने अजमा के पापा को एक दिन पहले ही बोला था, बट वो जाने वाले थे सुबह में, फिर एक और काम आ गया तो हम दोनों निकल पड़े थे, बस वो काम हुआ नहीं। तो अब यहाँ पर अजमा के पापा के साथ मैं खुद भी जा रही हूँ, वो कहाँ पर जा रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।